एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। 43वां दिन है किसानों के आंदोलन का आज, और सुबह 11 बजे ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। 11 बजे ट्रैक्टर मार्च निकालने जाएंगे ये किसान, और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ सिंधु टिकरी गाजीपुर बॉर्डर पर ये किसान डटे हुए हैं। कल किसानों सरकार के बीच में नौवें दौर की बातचीत है, कल ये बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले दबाव और दबाव बने, इसलिए किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और मांग बिल्कुल स्पष्ट है किसानों की, कृषि कानून वापस ले लिए जाए। तो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का आज 43वां दिन है। किसान आज दिल्ली के चारों ओर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उनका दावा है कि इस मार्च में 60,000 ट्रैक्टर्स शामिल होंगे, और यह मार्च सिंघु बॉर्डर से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, और गाजीपुर से पलवल, और पलवल से गाजीपुर तक निकाला जाएगा। बड़ी तैयारी किसानों की आज। आज 43वें दिन किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ट्रैक्टर परेड को लेकर ये उनकी एक किस्म की रिहर्सल होगी। दिल्ली के चारों ओर ट्रैक्टर्स का यह मार्च निकलेगा, और किसान संगठनों का दावा है कि 60,000 ट्रैक्टर्स इस मार्च में शामिल होंगे। ये बड़ी तैयारी, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्या प्रशासन, अलग अलग इलाकों का प्रशासन जहां जहां से ये मार्च निकालने की तैयारी है वहां पर वो इसे अनुमति देगा? सवाल ये। किसानों ने यह भी कहा हुआ है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाल देंगे। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस खबर पर बलराम पांडे जुड़े हैं, इस खबर पर हमारे संवाददाता शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, और अविनाश तिवारी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। शक्ति, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि चूंकि गाजियाबाद में भी NH9 पर भी हमने देखा अलग अलग जगहों पर चूंकि किसान बैठे हुए हैं, तो ये जो जत्थे निकलेंगे, ट्रैक्टर जो निकलेंगे, ये कहां पहुंचेंगे? अंतिम लक्ष्य इनका कहां पर है? कितनी बड़ी संख्या में किसान यहां पर जुटेंगे, और प्रशासन ने क्या तैयारियां इसको लेकर की? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के जो यूपी बॉर्डर पर, यूपी गेट पर जो किसान बैठे हैं, उन्होंने सभी ने ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं चलने के लिए। यह ट्रैक्टर NH24 से होते हुए जो डास्ता मसूरी है वहां तक पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद जो पेरिफेरल है, पेरिफेरल पर वहां दूसरा जत्था मिलेगा। जो अन्य जिलों से जो ट्रैक्टर है वहां पर इकट्ठे होंगे, वो आगे पलवल जाएंगे, और पलवल वालों की जो बात की जा रही है वो इधर आने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं 26 जनवरी जो आ गई है, 26 जनवरी की परेड के लिए इनका ये कहना है कि हम भी एक परेड की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके 26 जनवरी में परेड की तैयारी की जाती है, तो लगातार हम भी पहले से ही तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी में जाने के लिए और वहां पर अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरीके से अब किसानों ने परेड निकालनी शुरू कर दी है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम 26 जनवरी में जाएंगे और ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। यहां पर इस समय ट्रैक्टर लग चुके हैं, और ट्रैक्टर लगने के बाद अब NH9 जो है उस पर कतारें देखी जा रही हैं। ठीक है। तो लगातार जिस तरीके से यहाँ जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर सैकड़ों की तादाद में, इनका ये कहना है कि जो पहला जत्था है ये गाजियाबाद के मसूरी डास्ना तक जाएगा, पेरिफेरल तक जाएगा, और जो अन्य जगह से जितने भी आसपास के जिले हैं वहां से वहां ट्रैक्टर इकट्ठे हैं, वो आगे का रूट तय करेंगे। इनका ये भी कहना है कि ट्रैक्टर इसलिए बनाया गया कि ट्रैक्टर के लिए ज्यादा दूरी बन जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है शक्ति, हम अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, आप कहाँ पे हैं और क्या देख रहे हैं? क्या आप भी देख रहे हैं कि ट्रैक्टर्स तैयार खड़े हैं और मार्च शुरू होने वाला है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च की पूरी तैयारी तो जरूर कर ली है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो जो हमको जानकारी मिल रही है, पुलिस प्रशासन उनको ट्रैक्टर मार्च नहीं करने देगा। क्योंकि कल किसानों की आठवें दौर की बातचीत होनी है केंद्र सरकार के साथ, उसके पहले आज किसानों की ट्रैक्टर मार्च है। कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालने की भी एक कोशिश है कि केंद्र सरकार जो उनकी मांगों को नहीं सुन रही है या उनकी मांगों को नहीं मान रही है, उसके पहले अपने आंदोलन को तेज करते हुए केंद्र सरकार के ऊपर इस तरीके से दबाव डाला जाए। लेकिन जो पुलिस है वो भी इसको लेकर तैयार है पूरी तरीके से। अगर हम बात
करें तो जिस तरीके से बुराड़ी और सिंघू बॉर्डर पर तमाम सारे किसान जमा है, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे तमाम सारी तैयारियां कर ली हैं, उनको ट्रैक्टर मार्च नहीं करने देगी। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से पूरे दिल्ली के आसपास के इलाकों में जिस तरीके से किसान जमा हुए हैं और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो आगे आंदोलन तेज करेंगे। ठीक है, आप बता रहे हैं अविनाश की वहां पर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अब रुक कर लेते हैं मेरठ का। मेरठ वो जगह है जहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उनका ये गढ़ भी कहा जा रहा है। मेरठ की क्या भूमिका रहने वाली, मेरठ के किसानों की इस ट्रैक्टर रैली में क्या भूमिका रहने वाली है, क्या तैयारियां वहां पर हैं किसानों की तरफ से? बलराम, बिल्कुल राजीव, इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, चाहे वो मेरठ हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, सहारनपुर हो, यहाँ के भी जो किसान हैं वो ट्रैक्टर लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पहुँच रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार जिस तरीके से ये तीनों बिल लेकर के आई है वो कहीं ना कहीं किसान विरोधी है और सरकार को सोई हुई नींद से जगाने के लिए इस ट्रैक्टर मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा किसान शामिल होंगे। आपको बता दें जो सहारनपुर, बागपत और मुजफ्फरनगर मेरठ के किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे, जो हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा के जो किसान हैं वो पेरिफेरल कट पे मिलेंगे। तो कुल मिला के किसानों की पूरी तैयारी है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। यही वजह है कि पेरिफेरल की जो यातायात है उसको डाइवर्ट किया गया है, आज 12 बजे से पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि जो ये ट्रैक्टर मार्च है इसकी वजह से जो आम जनता है उसे जाम ना झेलना पड़े, उसे किसी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन अभी तक ये संशय बना हुआ है राजीव कि आखिरकार प्रशासन किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने की अनुमति देगा या नहीं देगा, लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जगह जगह पर पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात कर दिया है और जो किसानों का मूवमेंट है उस पर प्रशासन की पैनी नजर है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ये प्रदर्शन बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तैयारी है वो पूरी रहे ताकि जो आम जनता है उसे किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन किसानों ने भी साफ कह दिया है कि अगर उन्हें रोकने की कोशिश प्रशासन करेगा तो वो रुकने वाले नहीं है, वो अपना मार्च गाजीपुर से पलवल तक लेकर के जाएंगे और अगर बीच में प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की जहां पर रोका जाएगा वो वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। तो बहुत धन्यवाद, प्रशासन भी अब फूक फूक के ठीक है। आपकी बात आ गई बलराम, बिल्कुल आपकी बात से स्पष्ट है कि किसान भी दृढ़ है कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अब देखना यह है कि ये क्या संभव हो पाता है प्रशासनिक तैयारियों को, बिल्कुल ये देखने वाली बात है और इस खबर को हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, नजर हमारी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद में ट्रैक्टरों के साथ किसान एकजुट हैं परेड के लिए, किसानों ने ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च इसको रिहर्सल के तौर पर भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारी रिहर्सल है, हम भी परेड निकालेंगे अगर सरकार बात हमारी नहीं मानती है। गाजियाबाद में भी ट्रैक्टरों के साथ किसान एकजुट हैं परेड के लिए, ये किसान अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, अलग अलग जगहों से एकजुट हो रहे हैं किसान, गाजियाबाद में ट्रैक्टर्स के साथ किसान एकजुट, मतलब ये कि प्रशासन से टकराव की स्थितियां भी बन सकती हैं किसानों की। आज गणतंत्र दिवस को देखते हुए किसानों का ट्रैक्टर मार्च है, उनका ये कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए। तस्वीरें देख लीजिए आप, ये देखिए आप ट्रैक्टर कैसे तैयार, एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देखिए, ट्रैक्टर्स पर तिरंगे झंडे लगा दिए गए हैं, किसान संगठनों का झंडा भी है और अब इनके मार्च की तैयारी, क्या यह संभव होगा आज, क्या प्रशासन इस मार्च को अनुमति देगा गाजियाबाद से पलवल तक या जहां भी उनकी योजना है दिल्ली के चारों ओर मार्च करने की। लेकिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स हैं ये भी साफ है, लेकिन ये भी है शायद कि प्रशासन की इजाजत की उनको आवश्यकता भी नहीं, वो अपना मार्च निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब प्रशासन कैसे डील करता है, हैंडल करता है देखने वाली बात होगी और जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितना बड़ा विशाल ये इवेंट होगा, ये यात्रा होगी, दबाव उतना ज़्यादा। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे संवाददाता शक्ति बने हुए हैं। शक्ति, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप तस्वीरें भी दिखाएं कि इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि आपने बताया कि ट्रैक्टर लेकर तैयार हो गए किसान, अगर आप तस्वीरें दिखा सकें और किसानों से बात कर सकें तो और बढ़िया हो जाए। ये देखिए बिल्कुल, हम तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं कि ट्रैक्टर लग चुके हैं और लगातार कतारें हैं, इधर कतार है उधर कतार है, और कतारों की बात करें तो ट्रैक्टर NH9 पर ऊपर पहुंच चुके हैं, हम नीचे की तरफ हैं इस समय, और ये लगातार इनमें जोश है, इनमें उत्साह है किसानों में कि हम ट्रैक्टर मार्च निकाल कर ही रहेंगे, किसानों के पास ही चल रहे हैं,
ज्यादा बात करने के लिए। ये बताइए आज आपका एक क्या प्रोग्राम रहेगा और कैसे रहे? हाँ जी, आज क्या रहेगा? ट्रैक्टर रैली होगी जी। ट्रैक्टर रैली होके रहेगी? हाँ जी, होके रहेगी। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? क्या बताएगी आप? दिल्ली में घूमेगी जी। ठीक है, पैरे फेरल तक ये लोग जाएंगे। और आपको अगर कतारें दिखाएं तो कतारें हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे सामने हैं, राजबीर सिंह जादौन। ज्यादा बात इनसे ही करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या मार्च रहेगा, कैसे रहेगा, कहां से कहां तक ये रैली जाएगी? ये हमारे गाजीपुर के ट्रैक्टर यहां से नोएडा तक जाएंगे, दासनाकट तक। इसके बाद इस टीम को वापस कर दिया जाएगा, गाजीपुर बाडर आ जाएंगे। और वहां हमारे जो देहात से और अन्य जिलों से ट्रैक्टर आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर हैं, वो पेरिफेरल से पलवल तक जाएंगे। अगर प्रशासन रोकने की कोशिश करता है तो आप लोग क्या करेंगे? कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा, सब जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इरादे स्पष्ट हैं। किसान है, किसान रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल, अगर हम किसानों की बात करें तो अगर रुकने की कोशिश भी होगी तो क्या हम रुकने वाले हैं? शक्ति नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसान बिल्कुल दृढ़ निश्चय, बिल्कुल तैयार हैं और किसानों को एकजुट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने राजीव, इरादे उनके बिल्कुल जाहिर है, चाहे कुछ भी हो, मार्च निकाले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।